साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूक्रेन से भारतीयों की स्वदेश वापसी को लेकर एयर इंडिया संचालित करने जा रहा है 3 उड़ानें। पीएम मोदी ने कहा भारत और यूएई आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। खालिस्तान को लेकर कुमार विश्वास ने दी केजरीवाल को चुनौती, अलगाववादियों से रिश्ते पर केंद्र ने दिए जांच के आदेश। यूपी बिहार राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ाएगी मुसीबत। शशि थरूर के ट्वीट से मचा बवाल, दूतावास की हिदायत के बाद पेश की सफाई। प्रदेश सरकार ने वापस लिया वसूली का नोटिस, ट्रिब्यूनल के जरिए नए सिरे से जारी होगा नोटिस। यूपी टीईटी रिजल्ट जारी होने में फंसा चुनाव आचार संहिता का पेच, पीएनपी ने शासन को भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार, 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 627 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत। प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा पर तंज, बोली एक सिलेंडर और मुफ्त राशन से नहीं संवरेगा भविष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का सपा से कनेक्शन, मृत्यु दंड पाए आतंकी का पिता कर रहा प्रचार। अमेरिका ने जताई युद्ध की आशंका, बाइडेन बोले पुतिन ने बना लिया है यूक्रेन पर हमला करने का मन। पूर्वी यूक्रेन में हिंसा तेज, सरकारी बिल्डिंग के पास कार में धमाका। ब्रिटेन में मौसम विभाग ने तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का असर हो रहा कम, अब BA2 से सावधान रहने की जरूरत। अटलांटिक महासागर के बीच फंसा मालवाहक जहाज, लंबोर्गिनी जैसी हजारों गाड़ियों के राख होने पर मंडराया खतरा। किरोन पोलार्ड ने T20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास, ये उपलब्धि हासिल करने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी। विराट कोहली ने अर्धशतक आलोचकों को दिया करारा जवाब, 7 चौके और 1 छक्का लगाया। टीम इंडिया को मिली जीत पर नाराज है कप्तान रोहित, खिलाड़ियों की कमजोर फील्डिंग पर उठाए सवाल। बाईस साल के गनी में डेब्यू मैच में रचा इतिहास, 56 चौके और 2 छक्के लगाए। क्राइस्टचर्च टेस्ट में 3 दिन के अंदर साउथ अफ्रीका का सरेंडर, बड़ी जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में बनाई बढ़त। अनुष्का शर्मा जमकर कर रही फिल्म चक द एक्सप्रेस की तैयारियां, कोच से ट्रेनिंग लेती आई नजर। फिल्म टाइगर 3 के सेट से लीक हुई तस्वीरों में जख्मी दिखे सलमान खान और कैटरीना कैफ। ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली पर लगाया धोखाधड़ी का इल्जाम, कोर्ट में दायर किया मुकदमा। फिल्म
फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर हुआ रिलीज, पहली बार अक्षय कुमार का दिखा खतरनाक लुक। राजीव कपूर की आखिरी फिल्म तुलसीदास जूनियर का नया पोस्टर हुआ रिलीज, 4 मार्च को होगी स्ट्रीम। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।